और ये वाली जो साड़ी विथ रेडीमेड ब्लाउज उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। किचन में कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो बस थोड़ा बहुत सामान ही मैंने मंगा के स्टोर किया है, जिसमें से सबसे मेन चीज़ है सत्तू। अब आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा सत्तू मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये है सत्येंद्र सत्तू और इजीली आपको मिल जाएगा। सारे दुकानों में नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ख़ास करके ऑनलाइन में ज़्यादातर नहीं मिलता है, बट मोदी की दुकान जो होती है डेली नीड्स की, किसी किसी में मिल जाता है, तो इकट्ठा ही मैं ले आती हूँ। और ये मैंने फैमिली पैक मंगवाया था पेस्ट का, तो उसमें ये बड़ा अच्छा सा 70 रुपया प्राइस है इसका, ये ब्रश फ्री दिया है। तो दो पैक मैंने ये मंगा के रख लिए हैं, यही वाला पेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत साल हो गए हैं। और ये चस्का मस्का बिस्किट ही मेरे घर में आता है, तो इसका बड़ा वाला पैक नहीं मिल रहा है। इसमें भी दो वेरिएशन आते हैं, दूसरा वाला इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा टेस्ट इसका है। तो ये भी मंगा के रख लिए हैं, 10 रुपये का एक पैकेट है। और ये अटैच बाथरूम वाले में पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो बस यहाँ मैंने रख भी दिया है। बस उसके बाद रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सोमवार की सुबह, यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन। सुबह से मेरे काफ़ी काम हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इन पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को निकलना था बड़े बाज़ार और चिंकी ले गया था एस्ट्रो को नीचे वॉक कराने के लिए। तो किसी को भी देख के ना ज़्यादा हीरोपंती दिखाता है एस्ट्रो, बिल्कुल भोंकने लगता है ज़ोर ज़ोर से, बट एस्ट्रो काटता किसी को भी नहीं है। तो इसको ऐसा ही है कि जैसे अगर बच्चे लोग खेल रहे हैं तो भोंकेगा, उसको अटेंशन चाहिए कि भाई मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, इस वजह से भोंकता है। बस ये वॉक करके आया है, इसका हाथ पाँव वगैरह पहुँच के, फिर चिंकी चला गया था सोने और ये भी चला गया साथ में सोने। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब मैं तो रेडी हो गई हूँ, पूजा भी हो गई है, खाने में बस कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी मैं, और बारिश भी शुरू हो गई है। हम निकल रहे हैं बड़े बाजार के लिए, शादी की कुछ शॉपिंग करनी है, खुद के लिए आउटफिट्स लेने हैं सारे फंक्शन के लिए। तो जहाँ तक जैसे शादी ब्याह या दीपावली किसी त्यौहार का समय आता है, तो मेरे मन में एक ही आउटफिट आता है, वो है साड़ी। सॉरी फॉर द नॉइस, ऊपर काम हो रहा है किसी के घर में, तो साड़ी तो लेनी है, 100% लेनी है। एक साड़ी ले ली है जो उस दिन मैंने आपको दिखाई, वो भी किसी ओकेजन में हम पहनेंगे। और जूही का मन है कि मैं एक फंक्शन में लहंगा वेयर करूं, अब देखती हूँ जैसा अच्छा लगेगा। आजकल तो वो शरारा एंड ऑल भी बहुत कुछ मिलते हैं, जैसा समझ में आएगा वो ले लूंगी। अब बारिश बंद हो तो बस निकलेंगे, मम्मी भी आने वाली हैं, और सारे रूम की जो जाली वगैरह है वो भी खोल के आई हूँ, तो जाली फटाफट बंद करने, वरना वो गद्दा गीला हो जाएगा। ज़्यादा जोर से अभी नहीं हो रही है, मगर बूंदाबांदी तो चालू हो गई है, नीचे पूरा रोड पूरा गीला हो ही गया है। और बारिश का तो ऐसा है कि 4 दिन से कंटिन्यू ऑन है कोलकाता में, वो झिमिर झिमिर बारिश बस हो ही रही है।
बस उसके बाद में मैंने फिर नाश्ता वगैरह किया और दाल चावल और कुछ भुजिया वगैरह ही मैंने बना लिया था। करेले की भुजिया बनाई थी, परवल की भुजिया बनाई थी, बस यही मैंने खाना बनाया था। बनाने के बाद में यहाँ जल्दी से मैं रेडी हो रही हूँ और देखिए मैंने आईब्रो जो पेंसिल है अभी उससे नहीं किया है, वो जो एक पाउडर टाइप का आता है उससे किया है। और आप लोग लिपस्टिक का शेड पूछते हैं तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बट ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है नंबर, तो वो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। ये बड़ी बढ़िया लिपस्टिक है, न्यूड है और किसी भी ड्रेस में अच्छे से चली जाती है, तो मैंने यही लगा ली थी। और आईब्रो पेंसिल से, सॉरी, आईब्रो वाला जो किट है बस उससे मैंने आईब्रो बना ली थी। तो हल्का सा टचअप किया मैंने और उसके बाद में मम्मी आ ही गए थे, बस उसके बाद तो हम निकले हैं। अब वेट करें कि बारिश रुके तो निकलें, तो बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही है 4-5 दिन से। और बड़े बाज़ार पहुंच गए तो और भी ज़्यादा बारिश अच्छी खासी आ गई थी, पूरा कीच कादा बड़े बाज़ार में भी था। लेकिन ये है कि जन्माष्टमी का टाइम था तो भीड़ थी अच्छी खासी, और बड़े बाज़ार में भीड़ कब नहीं होती है, नॉर्मल डेज़ में आप चले जाइए तब भी त्योहारों के जैसी ही भीड़ रहती है वहाँ पे। बस यहाँ रेडी होने के बाद में और मैं और मम्मी निकल गए थे बड़े बाज़ार। इस टाइम पे कुछ टाइम हो रहा होगा 11:30 या 11:40 का, बस इसको मैंने बाय किया है। चलिए अब मैं भी निकल रही थी मम्मी के साथ बाज़ार करने के लिए, वो भी शादी की शॉपिंग। और यहाँ हम पहुँच गए बड़े बाज़ार, ये है सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट। तो यहाँ पर भी कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है बट यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मंदिर के अंदर गई मैं, पुजारी जी ने बोला कि आप अंदर आ जाइए, तो अंदर गई मैं, प्रसाद दिया, मुझे टीका लगाया, उसके बाद यहाँ नीचे उतरे हैं हम। ये हम आ गए हैं बड़ा बाज़ार एसी मार्केट, यानी कि सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट। पहले यहीं देख रहे हैं, अभी देखते हैं कितना समझ में आता है। सबसे पहले हम यहाँ ज्वेलरी की शॉप में आए हैं और भाव क्या था पता है सोने का, 10 ग्राम का 68,800। ये मैंने अपने हाथ के लिए लिया है, मैं एक इस तरीके का नजरिया पहना करती थी बट वो टूट सा गया है। फिर से मैंने ऑनलाइन से एक ऑर्डर किया था बट वो मुझे एकदम पसंद नहीं आया, और फाइनली ये वाला मैंने लिया है, एविलाई वाला। और एक मैंने एंकलेट लिया है आंचल के लिए, सेम ऐसा ही है बस वो पाँव में पहनने का है, तो ये मैंने पहन लिया, मुझे ये बहुत पसंद है हाथ में पहनना, और मैं कंटिन्यू पहनती भी थी तो वो टूट गया था। बस उसको लेने के बाद यहाँ एसी मार्केट के बिल्कुल बगल में ही है शिव नारायण स्टोर, यहीं से हम लोग साड़ी लेते हैं। साड़ी का कलेक्शन मैं आपको बताऊँ तो इतना सुंदर आया है कि क्या बताऊँ। अब एक एक करके आप साड़ी देखिए, लहंगा भी लिया है मैंने अपने लिए। ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे पेस्टल्स कलर आए हैं। अब जैसे कि जो फंक्शन है ना, उसमें किसी एक फंक्शन में पेस्टल कलर चाहिए, तो बस वही देख रही हूँ, आप बताइएगा कौन सी अच्छी लग रही है। वैसे दो मैंने निकाल के रखी हुई है, ये देखिए। शादी ब्याह का टाइम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि साड़ी खरीदी जाए। अब लहंगा लेने गए हैं, देखती हूँ कैसा मिलेगा मेरे मन के मुताबिक का। और फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट थी पेस्टल कलर की, डार्क की भी थी, बट पेस्टल कलर में जो इनके पास कलेक्शन आया है साड़ी का, सामने से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। साड़ियाँ ले चुकी थी, यहाँ देख रही थी मैं लहंगा, तो ये वाला पसंद भी आया बट लहंगा लेना था थोड़ा डार्क कलर में। तो अब इनमें से कौन सा लिया है, फ़िलहाल ख़रीद चुकी हूँ, पॉलिश करने के लिए भी दे दिया है, अभी तो साथ में ला नहीं पाई हूँ क्योंकि उसको साइड से स्टिच भी कराना है और पॉलिश भी होगा। तो फिर से हम वेनसडे को जाएंगे बड़ा बाज़ार। ये वाला भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम झिलमिल सितारा होता है ना वो लग रहा था, तो ये मैंने जस्ट मैंने लगा के भी देखा कि कैसा लग रहा है, बट मैंने सोचा कि नहीं ये वाला मैं नहीं लूँगी। इसके बाद जो दो चार मुझे दिखाए उनमें से मुझे एक पसंद आ गया था तो वही मैंने लिया। और ये देखिए ये साड़ी है, इनका प्राइस है 2000 से 2200 तक का, और बहुत अच्छा है रेडीमेड ब्लाउज़ के साथ में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट साड़ी मैं इतनी ख़रीदती नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। बस यहाँ हमें बड़े बाज़ार में काफ़ी समय लग गया था, तो उसके बाद मैं और मम्मी आए थे वॉशरूम, एसी मार्केट के बगल में नया वॉशरूम बना है पे एंड यूज़ वाला,
तो बस उसी में हम लोग आए थे। और उसके बाद में फिर गई हूँ घंटा वाला के यहाँ पर, ये बच्चों के लिए मैंने बनवाया बादाम का शरबत, तो ये लोग पार्सल भी देते हैं। और बारिश इतनी तेज़ आ गई थी इस टाइम तक, झिमिर झिमिर तो चली रही थी बट उसके बाद फिर बारिश आई है अच्छी खासी। बस यहाँ सामान लिया है मैंने, यानी कि ये शरबत, और फिर सीधी गई हूँ साड़ी की दुकान में। और ये देखिए इतनी ख़रीदारी हुई है, भात के लिए जो सारा साड़ी वगैरह ख़रीदा था वो भी आज ही लिया है, क्योंकि दे दिया था इन्हीं की शॉप में, फॉल्स पीको वगैरह जो होती है बस उसके लिए दे दिया था। उसके बाद हम निकले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा जन्माष्टमी का ही बाज़ार लगा हुआ था और भीड़ इतनी थी कि ऑटो भी रेंग रेंग के जा रहा था। तो यहाँ से निकलने में ही हम लोगों को 25 से 30 मिनट लग गया था, क्योंकि एक रफ्तार में ऑटो चल ही नहीं पा रहा था भीड़ जो इतनी थी। और हम लोगों को घर से आने के लिए बड़े बाज़ार में 4 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, इतनी दूर है, 1.5 घंटा तो लग ही जाता है पहुँचने में। बस फाइनली उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। अब जाके बड़े बाजार से हम आ पाए हैं, बज गए हैं 5:40 शाम के। और जब हम बड़े बाजार पहुंचे हैं तब 1:10 बाकी था, उसके बाद बारिश भी बहुत आ गई थी। वैसे हमने जो सारी शॉपिंग है, जो हमारी फेवरेट शॉप है साड़ी वाली, तो वो लहंगा भी प्रोवाइड करते हैं, चुंदरी भी मिल जाती है, सब कुछ वहाँ मिल जाता है। और कलेक्शन इस बार का बहुत अच्छा आया हुआ था। मैं आपको अपनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ कि मैंने शादी के फंक्शंस के लिए, और कुछ एक आध साड़ियाँ पसंद आ गई तो वो मैंने ली हैं। और जो साड़ी की दुकान है तो उन भैया ने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की है जो रेडीमेड ब्लाउज के साथ आती है, बहुत प्यारी साड़ी है, मैं सब आपको दिखाती हूँ। और कौन से फंक्शन में कौन सी साड़ी या कौन सा लहंगा मैं पहन रही हूँ अभी मैं खुद कन्फ्यूज हूँ। वैसे मैंने एक लहंगा लिया है और वो कॉकटेल पार्टी जो होती है उसके लिए लिया है, डार्क थीम है, तो लहंगा तो अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, क्योंकि लहंगा खरीद के फिर उन्हीं को दिया है सिलाई करने के लिए, लटकन वगैरह लगाएंगे, पॉलिश करेंगे, उसके बाद वेडनेसडे या थर्सडे फिर से हम जाएंगे बड़े बाजार, क्योंकि जितनी भी साड़ी और लहंगा वगैरह लिया है तो उसके मैचिंग का मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह लूंगी, चूड़ियां लूंगी सेट। तो आज तो ज्यादा लेट हो गया था, बारिश भी पूरा कीच कादा हो गया था, तो अब फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि वो पॉलिश होके मिलेगा। तो फिलहाल आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या लिया है। ऐसे 5 अभी मम्मी के घर गए हैं, क्योंकि वो जो भात के लिए जो सब कुछ शॉपिंग की थी तो वो सब पूरा पैकिंग वगैरह करके और अच्छे से जैसे फॉल पीको जो भी है सब करके आज दिया है, तो वो तो मम्मी के घर गए हैं, वो तो अभी नहीं, जब भात चढ़ेगा तब आपको वो वीडियो में दिख जाएगा। अब दिखाती हूँ अपने लिए। पेस्टल्स कलर में इतनी सुंदर साड़ियां उनके पास आई हैं, कलेक्शन इतना अच्छा है कि क्या बताऊं, बिल्कुल न्यू फैब्रिक के साथ में। ये आप देख लीजिए, ये देखिए इसमें इनका एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा हुआ है, फोन नंबर, हाँ यस। ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, ऑर्गेन्जा है, बहुत अच्छी लग रही मुझे। और पेटीकोट सबका मैं लेती आई हूँ मैचिंग का, कि उस टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कलर है, सारी साड़ियों को लास्ट में लाइन बाय लाइन लगा के आपको कलर में दिखा दूंगी। ये है, ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है और इसमें कुछ इस तरह का वर्क है, बहुत प्यारी साड़ी है। ये है इसका आंचल, ब्लाउज ऐसा ही है सेम जैसा रनिंग में है। तो एक तो ये साड़ी है, सबसे पहले तो इसका ब्लाउज आपको दिखाऊं, रेडीमेड ब्लाउज है और अंदर अच्छा खासा मार्जिन दिया हुआ है, तो उसको खुलवा के और अपने नाप का करके पहन सकते हैं, तो ऐसा है, बहुत प्यारा है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है और इसका वर्क कुछ ऐसा है,
तो एक तो हो गई ये वाली साड़ी और ब्लाउज, इसके साथ में रेडीमेड ब्लाउज है, बहुत प्यारा है ये। साड़ी कुछ ऐसी है, बहुत हल्की है, वेट अगर जैसे देखा जाए तो बहुत हल्की है, इजीली कैरी कर सकते हैं किसी भी ओकेजन में। ये साड़ी ऐसी है, कलर कैसा लगा आपको बताइएगा। और ये इसका ब्लाउज है, ये कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत प्यारी साड़ी है। एक ये है सामने से आपको जैसा मैंने बताया, मैं दिखाती हूँ। और ये वाली जो साड़ी विथ रेडीमेड ब्लाउज उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, मैं दिखाती हूँ। बहुत बहुत प्यारी साड़ी है, बिल्कुल पेस्टल कलर्स उगते ना वैसे। रिश्ता खून का हो तभी निभाया जाता है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्ते हम सब की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो मुंह बोले होते हैं, मगर वो बहुत ही अच्छी तरह से सारी ज़िंदगी रिश्ता निभाते हैं। इसमें दो फायदे हैं, एक तो इसमें रेडीमेड ब्लाउज मिला ही है और एक साड़ी में भी ब्लाउज पीस है, तो वो भी बनवा सकते हैं। मैंने सोचा है कि पता नहीं, अभी तो मेरा मन है कि उसको मैं कटवा के नहीं बनवाऊं, तो एक ब्लाउज ये है ही और डिजाइनर ब्लाउज ही अच्छा है। तो वो क्या है कि साड़ी में जो प्लीट्स होती हैं वो ज़्यादा आएंगी, बाकी अपनी इच्छा के ऊपर है। तो ये है इसका ब्लाउज, ये देखिए, ये तो प्लेन है पीछे से और आगे से ऐसा है। और यहाँ ये बांधने के लिए भी दिया हुआ है, पीछे जो बांधते हैं, ढीला टाइट जैसा भी हो। ये है साड़ी, साड़ी का ये आंचल है। इसके साथ कैसी लग रही है ये देखिए, यहां से ऐसी, बाकी पूरी रनिंग में एक जैसी है। ये देखिए, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, बड़ी प्यारी साड़ी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो फिलहाल शादी के लिए जो साड़ी वगैरह का शॉपिंग है वो तो हो गया, और बाकी रहा ज्वेलरी चूड़ी का सेट वगैरह, तो वो सब वेडनेसडे जाके फिर से लेकर के आएंगे, क्योंकि एक बार में शादी की शॉपिंग एक बार में करना पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ, ये एक साड़ी और है। मुझे ऐसी सोबर सिंपल और ये पेस्टल कलर्स जो होते हैं पसंद आ जाती है साड़ी, और ये कपड़ा मुझे पसंद आता है। ये देखिए, पहन के बहुत डिसेंट लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। ये आंचल हो गया, और पूरी जो बॉडी है साड़ी की वो ऐसी है। अब मैं एक के बाद एक लगा के साड़ी आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है आपको। ये वाली ऑर्गेन्जा वाली साड़ी है, और इसका जो पल्लू है उसमें ऐसे पूरी लटकन बनी हुई है, वर्क ऐसा है, पूरा स्टोन वर्क है। तो इसका ये कलर है, और ये वाली जो उन भैया ने मुझे गिफ्ट की है ये वो साड़ी है, ये देखिए। और एक ये साड़ी है ऑर्गेन्जा की, बहुत प्यारी साड़ी है, ये देखिए। एक ये साड़ी है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा वर्क है इसमें। और एक ये है विथ रेडीमेड ब्लाउज, इसका ऐसा पूरा वर्क है, कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कपड़ा है, और पूरा डिज़ाइनर टाइप का ब्लाउज है। सो पांचों साड़ी मैंने आपको दिखा दी, और एक साड़ी मैंने आपको 3-4 दिन पहले ब्लॉग में दिखाई थी, तो कुल मिला के हो गई 6 साड़ियां नई और एक लहंगा। तो शादी में क्या पहनो इसका कोई मतलब कंफ्यूजन भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, ब्लाउज सिला के रख दूंगी, तो एक से बढ़ के एक सारी साड़ियां हैं, और लहंगा तो A1 है। अब जूही ने इतनी ज्यादा मुझसे मतलब जिद की है कि एक फंक्शन में आपको लहंगा पहनना ही पहनना है, तो आई थिंक मैं 25 या 26 साल के बाद लहंगा पहनूंगी, और पसंद करके तो लिया है,
और बनारसी टच में लिया है मैंने लहंगा, इतना भी आपको बता दूं, पॉलिश होके आएगा तो दिखाऊंगी आपको। तो बस ये अब ये सब उठा के रखूंगी, मुंह हाथ धोके जरा नाइटी पहन के शांति से आधा घंटा बैठूं, जरा एक कप चाय पीऊं। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।